हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्च का अचार। ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये साल भर तक आराम से चल जाता है। इसके लिए हमने मोटी लाल मिर्च ली है जो कि बस सर्दियों में ही मिलती है। काली मिर्च, सरसों, जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक और सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, हींग, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर और मेथी। इन मिर्चियों को हमने अच्छी तरह से धोकर और 3 से 4 घंटे धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है और इसमें डालने के लिए हमने लिया है सिरका काला वाला। इससे अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। और तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसे हम गर्म करेंगे और उसमें हम मेथी, सौंफ, अजवाइन, काला नमक, जीरा और काली मिर्च, इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से सूखा ही भूनेंगे। उसमें हमें कोई ऑयल का यूज़ नहीं करना है। और इसमें हमने थोड़ी सी खड़ी धनिया भी मिलाई है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डालें, वैसे इससे टेस्ट अच्छा आता है। और इन सारी चीज़ों को हम सूखा ही कढ़ाई में भूनेंगे। इसमें हमें किसी ऑयल का यूज़ नहीं करना है और इसे लगातार चलाते रहना है और आँच हमें धीमी ही रखनी है। देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी भुन गई हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने मिक्सी के जार में डाल दी हैं और इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। देखिए, ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, अमचूर पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और सरसों और हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को हमें हाथ से ही मिक्स करना है। और ये ध्यान रखना है आपको कि हाथ आपके सूखे हुए और साफ़ हों, वरना आपका अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। ये सरसों मिला दी हमने और जो तेल हमने गरम करके ठंडा किया था उस तेल को और सिरका को इसमें डालकर अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। चम्मच से अच्छी तरह से मिल नहीं पाता है इसलिए हाथ से सही रहता है, लेकिन हाथों को साफ ही रखना है वरना नमी अगर इसमें पहुंच गई तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे हम मिर्चियों में भरेंगे। मिर्चियों को हमने अच्छी तरह 3 से 4 घंटे धूप में सुखा लिया था। इनकी हम डंडी निकाल देंगे और बीच से चीरा लगा देंगे। आप चाहें तो इसके बीज निकालकर और मसाले में ही मिक्स कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने नहीं निकाला है। ये ध्यान रखना है कि ऊपर से और नीचे से मिर्ची जुड़ी रहें, बिल्कुल अलग ना हो। और अच्छी तरह से इनमें चीरा हमें धीरे से लगाना है और सारे मसालों को अच्छी तरह से इसमें हमें भरना है। ये मिर्ची मोटी होती हैं तो इसमें भरने के लिए ज़्यादा मसाला लगता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से मसाले लें। एक एक करके सारी मिर्चियों को हम इस तरह भर लेंगे।
देखिए हमने सारी मिर्चियों को भर लिया है। अब इन्हें एक साफ और सूखे कंटेनर में कांच के भर के 3 से 4 दिन तक उसे हम धूप में रखेंगे। उसके बाद अचार हमारा खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे साल भर तक चलाना चाहते हैं तो उसमें तेल भर के और मिर्ची मतलब उसमें अंदर डूबी रहे इतना तेल उसमें डाल के रख दें तो ये मिर्ची का अचार आपका साल 2 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे जल्दी खाना चाहते हैं तो इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है, तो ये अचार 2-3 महीने आराम से चल जाएगा। ये हमने कंटेनर में भर के रख दिया है। अब इसे हम 3 से 4 दिन तक धूप में रखेंगे। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।